हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके जो आप आयुर्वेदाचार्य के पास जा रहे हैं तो आपको सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित बता रहे हैं, मतलब मेरे सर की और जो बताते हैं उनकी बात नहीं है वो, पर अधिकतर यही होता है बैचलर बीएएमएस कर लिया, अभी अधिकतर डॉक्टर ने बैचलर डिग्री ले ली है लेकिन वो खुद भी आयुर्वेद को नहीं समझ पाए। और एक हमारे क्षेत्र में काफी मात्रा में एक जो बोलेंगे कि भाई दुष्प्रचार हुआ है देसी दवा का, देसी दवा हम आयुर्वेदिक समझते हैं बेसिकली, लेकिन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में या अधिकतर बहुत सारी जगह फलाना वैद्य बोलते हैं उसको, या फिर नाम लेके बोलते हैं कि भाई फलाना हमारे जो पुण्य डॉक्टर साहब ने दवाई दी है देसी दवाई है, या अगर आप खाली 7 दिन तक खा लो गर्म पानी से या नीम का पानी से तो आपकी सकल खत्म हो जाएगी भाई, खाली वो पूरी खाने से उनकी सकल खत्म हो जाएगी, लेकिन ना वो उनको परहेज बताएंगे और ना उनको वो प्रॉपर तरीके से अपनी जीवन दिनचर्या जीने का तरीका बताएंगे, वो खाली 7 पूरी दे देंगे उसमें ठीक हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी विडंबना है कि वो लोग उसको नहीं समझ पाए, और वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी पेटी को हमारा जो एक बहुत बड़ा वृक्ष है कहीं ना कहीं उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे गठिया भाई का इलाज करते हैं, स्टेरॉइड मिला देंगे उसमें, दवाइयाँ स्टेरॉइड की पीस करके मिला देंगे, पुड़िया बना देंगे, उनको आराम हो जाएगा होता है। सर एक मेरे कई पेशेंट गए हैं गुजरात शुगर वाले पेशेंट, गुजरात गए हैं, गुजरात में कोई 40 घंटा बोले देसी दवाई खिलाता है वो, उसके बाद 40 घंटा है, 40 घंटे के बाद शुगर खत्म हो जाती है, वहाँ 2 गुलाब जामुन खिला के बेचता है। ऐसे ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हमारी जो पद्धति चले मेडिसिन एंड सर्जरी, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने आयुर्वेद पढ़ाया होगा। आपका केजी त्रिपाठी सर का वो चलता है, आपके बीडी चौरसिया सर की वो चलती है, हाँ बीडी चौरसिया सर की जो एनाटॉमी है बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसमें भी एलोपैथी ही पढ़ा रहे हो, फार्मेसी जो चल रही है आपकी वो एलोपैथी की चल रही है, अधिकतर बैचलर डिग्री करे हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर या तो प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या खुद ने अपने एलोपैथी की हॉस्पिटल क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक सकारात्मक सोच ही नहीं बनी बनी नहीं पाई उस 4 साल 4.5 साल के बीच में कि मैं खुद आयुर्वेद को समझ पाऊँ या आयुर्वेद के थ्रू में आयुर्वेद के साथ जो मैं जुड़ के एक चीज़ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ उन्होंने, क्योंकि उनको उनको यही पता था कि यार मेरा आयुर्वेद कहीं ना कहीं जाके मुझे एलोपैथिक में ही जुड़ना है, मैं तो खाली एक डिग्री के लिए मैं बोले कॉलेज जा रहा हूँ, डिग्री के लिए मैं खाली पढ़ रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो एलोपैथी में ही करनी है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को समझा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए भी विचार करना चाहिए कि यार